नमस्कार जी, मेरा नाम विशाल जोटा सा। आज मैं आया हूँ राजगढ़ म्योग में। देखो, देखने में हमारे पहाड़ी इलाके कितने अच्छे लगते हैं। और आज मैं यहाँ आके म्योग नामक एक जगह पे आया हूँ, जहाँ पे एक स्लोपी एरिया में भाई साहब ने जो है प्लांटेशन कर रखी है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ रूट स्टॉक पर भी काम हुआ है और जड़ेंथ कैंथ सब पर काम हो रखा है। तो भाई साहब कोई स्प्रे कर रहे हैं, ये देखिए आपको दिखाता हूँ। चलो चल के इनसे पूछते हैं कि ये इस पे क्या काम और क्या स्प्रे कर रहे हैं। नमस्कार जी भाई साहब। हाँ जी सर, ये मैं देख रहा हूँ आप इस टाइम जो है सर्दियों के मौसम में कोई स्प्रे कर रहे हैं। क्या ये क्या स्प्रे कर रहे सर, बता सकते जी? सर जी, मैं इस टाइम पे डोरमेंट ऑयल। हाँ जी, डोरमेंट ऑयल के साथ जो सेहत होती है वही रेशो। ये क्या, ये जो नीली कैन है क्या है ये? और ये वेकअप है जी। अच्छा, ये डोरमेंट ऑयल। डोरमेंट ऑयल है। अच्छा, और साथ में कीटनाशक तीन चीजें साथ कर रहा हूँ जी। हाँ जी, ये पलम पे और नाशपति पे दोनों पे स्प्रे कर रहा हूँ जी। अच्छा जी, तो इसका स्प्रे ये कॉम्बिनेशन आजकल एक तो स्केल खत्म कर देगा। हाँ जी, और दूसरा जो अगर कुछ चिलिंग आर्स की समस्या होगी तो वो पूरी हो जाएगी। अच्छा, ये नीली जैसी बोतल है सर, क्या आई है ये? हाइड्रोजन साइनामाइड है जी। हाँ जी, ये एक पीजीआर है, ये बर्ड ब्रेकिंग पीजीआर है, इससे बर्ड ब्रेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, सर्दी में आवर से तो बहुत अच्छा फूल आता है, और अगर सर्दी बरस भी गई हाँ जी, तब भी हमारी जो बर्ड ब्रेक है वो दूसरों से बेहतर होती है। अच्छा सर, तो मैं इसको डोरमेंट ऑयल के साथ कर रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा, इसके साथ? हाँ, ये किसी कंपनी का आता है डोरमेंट ऑयल, इसके साथ कर रहा हूँ इसको। अच्छा जी, तो अभी पत्तियाँ पूरी झड़ी नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन करने से मेरी लीफ डिफोलेशन भी हो जाएगा, प्लांट डोरमेंसी में भी चला जाएगा और स्केल भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, आपके साइड तो बड़े बड़े ड्रम से करते हैं जी हम, छोटे से बागवान है, अभी छोटे से पंप से स्प्रे करते हैं। अरे नहीं सर, बागवान कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इसका रेशो बता सकते हैं सर, क्या रेशो रहता है इसका? इसका रेशो है जी, एक जरा पीछे इससे वो निकालेंगे क्या सर, नोजल निकालेंगे इसे, लेफ्ट वाले से खोल के नोजल, इसमें दूसरी लगी है ये वाली बोतल, ये ऊपर जो डब्बा है। हाँ, ये देखते हैं। अच्छा जी, अच्छा इसमें नोजल है? हाँ जी। नहीं इसमें तो नहीं है जी, जाली है इसमें। अच्छा, ये बंद करके दूसरे वाला खोलो जी। अच्छा जी, ये हो गया जी बंद आपका। ये जो हाइड्रोजन साइनामाइड है जी, पीजीआर है। हाँ जी, और पीजीआर को ए पीजीआर को करके एक और भी होनी, देखो। अच्छा, अरे बड़ा लंबा हुआ है जी इसका, ये वाली इसमें रख दी। इसको करते हैं जी हम, डबल फायदा है, स्केल खत्म हो जाएगा और हमारा। इसकी एक वो है, इसको जब करना तो आपको टिप्पा मोटा चाहिए। अच्छा, पौधा पूरा बीजा हुआ चाहिए। अच्छा अच्छा सर, आपने इसमें क्या क्या वैरायटीज लगा रखी है? मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो क्या लगी है जी, अभी तो ठंडी है। मैंने नाशपति की कार्मेल लगाई है, टूरनडोट लगाई है, सेंटा मेरिया लगाई है, एडा लगाई है, बोहेमा लगाई है, और भी कुछ वैरायटीज लगाई हैं। इतने से पोर्शन में सर? ये सर आपको पता है नाशपति हाई डेंसिटी में होते हैं। अच्छा सर, हाई डेंसिटी में देखिए, इसके अगर भी स्प्रे करें तो आपको दस्ताने और मास्क पहनना पड़ेगा जी। अच्छा जी, सावधानी के साथ स्प्रे करें। अच्छा, और परम पे तो यही टाइम है जी स्प्रे करने का। अच्छा, पूरा भिगाएं। अच्छा जी, अच्छा पत्तियां पूरी भीगनी चाहिए इसमें है? पत्तियां है ना जी, डिफोलेशन करने के लिए कर रहा हूँ मैं। जैसे फार्मर के पास दिक्कत है जी, गर्मी है, डिफोलेशन नहीं हो रही है, पत्तियां नहीं गिर रही है, तो ऐसे हम स्प्रे करके दुगना फायदा ले सकते हैं। और ये फ्लावरिंग से कितने टाइम पहले करनी पड़ती है सर? सर हम इसे
अभी से लेकर और जगह जगह के हिसाब से आपकी लोकेशन पे अलग टाइम है, मेरी लोकेशन पे अलग टाइम है, तो मैं एक ही टाइम सारे प्रदेश के लिए नहीं बोल सकता जी। अच्छा, मतलब अलग अलग टाइम है, आपकी कंडीशन के हिसाब से कोशिश करते हैं कि सब कुछ है। ये मैं अपने खुद के होटल में स्प्रे कर रहा हूँ और आज 22 दिसंबर है, बाकी इसके बेनिफिट अच्छी फैदरिंग आएगी मुझे, अच्छा मेरा फ्लावर बनेगा। इसमें मैंने बड़े महंगे महंगे पौधे लगाए हैं जी, 1000 रुपए पौधा से लेके इम्पोर्टेड प्लांट जो भी लेते हैं लेके लगाए हैं। तो अब मैं स्केल और चिलिंग आर्ट्स की रिक्वायरमेंट के लिए शुरू कर रहा हूँ, और जो भी बागवान है पलम के, नाशपति के, आड़ू के, तो पलम और नाशपति, पलम और आड़ू वालों को तो या चेरी वालों को तो मैं बोलना चाहूंगा कि भैया टाइम आ गया है, इसकी स्प्रे करो 1 से 2 लीटर एक ड्रम में, और 4 लीटर अच्छी मिट्टी ऐसे जो डालते हैं, कोई साथ भी डालते हैं डालो, और क्लोरो भी पड़ सकता है सर इसमें, कीटनाशक मैंने डाला जी, कीटनाशक डाल सकते। अच्छा, डाल सकते हैं। चलो सर, आपने हमारे को अच्छा ज्ञान बताया इसके बारे में। सावधानी है जी, ड्रिंक नहीं कर सकता जी, दारू नहीं पी सकता, मतलब 24 घंटे तक पी लिया तो सर क्या होगा? अच्छा, चलो ठीक है सर। आपने ऐसे पोर्शन पे बगीचा तैयार किया है जहाँ पर बंदे सोच भी नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, सोच सकते नहीं, हमारी साइड नहीं सोचते ना सर ऐसा। आपने तो चलो आपके पास जमीनें बहुत अच्छी है ना जी। हाँ, ये तो आप ठीक बता रहे सर, पर मेहनत तो आपकी रंग ला रही है। देखो, मैं देख रहा हूँ प्लांट्स पे ग्रोथ भी आ गई है, और सीडिंग जो है ये बरसातों में लगाई हुई है जी, ये वाली। हाँ जी, छोटी है। बरसात में सर पेड़ हमारे यहाँ तो लगाते नहीं है। देखो, आपके सामने लगा हुआ जी, कुछ तकनीक इस्तेमाल करके हम लगा सकते हैं ये पौधे। देखो आगे वो जितनी पार्टियां नई फ्रेश दिखती है। इतर पाल गया है सर, डाला आपने? ये वीड मैट है जी। वीड मैट है, इसको क्यों डालते सर? अच्छा, ये नमी भी बरकरार रखता होगा। नमी बरकरार रखता होगा। अच्छा, ये सर आपने गड्ढा भी बनाया हुआ है नीचे, देखो मैं देख रहा हूँ ना। अच्छा, ये क्या बारिश के पानी इकट्ठा करने के लिए? ओहो, आपने तो बड़ी मेहनत की है सर यहाँ पे ना। हाँ, मेहनत तो करते जी। अच्छा, ये फेदरिंग का काम भी करता है सर? वेकअप छोटे प्लांट्स में अगर करो तो फेदरिंग का भी, फेदरिंग भी आती है जी, पिछले ना। अच्छा जी, चलो सर, आपकी मेहनत रंग लाए, ला रही है, ला ये क्या है, देखो कितने बड़े बढ़िया प्लांट्स आपने तैयार कर दिए, और एक कॉटेज भी आपने बना लिया है यहाँ पर। लेबर से काम कराते सर या खुद करते? देख लो आप। हाँ, कर तो खुद ही रहे सर अभी आप, बगीचा तो अभी कामयाब रहता ना जब खुद उसमें हाथ डालेंगे। चलो ठीक है सर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। ठीक है जी, धन्यवाद जी, थैंक यू जी। कोई तो कॉन्टेक्ट कर सकता है आपके, आपका नाम, शुभ नाम तो पूछा नहीं आपका? मेरा शुभ नाम सनम चोपड़ा। अच्छा जी, और कोई मेरे से बात करना चाहिए बात कर सकता है, मेरा नंबर है 9816177779। थोड़ा जोर से बोलो सर जरा। कोई मेरे से बात करना चाहे बात कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9816177779। प्रोडक्ट रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में? ठीक है सर, धन्यवाद जी।